हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी निहाल किदवई। निहाल, पहली तस्वीर विक्रम लैंडर के जरिए हमें मिल चुकी है, बाकी तस्वीरों का बेसब्री से सभी को इंतजार है। आप वहां मौजूद हैं, किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, जो सबसे बड़ी बात इसमें थी कि इस बार जब चंद्रयान मून चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला था, उस वक्त उस क्षण की तस्वीरों को अगर आप ध्यान से देखें, सभी वैज्ञानिक जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे वो सब बिल्कुल शांत और उत्साह में दिख रहे थे, तनाव बिल्कुल नहीं दिख रहा था। यानी एक बात साफ थी कि उन्हें अपने प्रोजेक्ट की सफलता को लेकर के पूरा भरोसा था और उसी भरोसे और उसी ट्रेजेक्ट्री पर उन्होंने बिल्कुल सही समय पर उनकी जो गणना थी उस गणना के हिसाब से उन्होंने चांद की सतह पर विक्रम लैंडर को उतारा। और अब जो सब लोगों को इंतज़ार है कि कब पट खुलेगा और फिर रोवर बाहर आएगा, हमें जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक इस प्रक्रिया को अब शुरू कर दिया गया है। अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि रोवर बाहर आ जाए, लेकिन उसमें एक बात जब इसरो के चेयरमैन बता रहे थे कि वहाँ पर जब यह लैंड होता है उस वक्त बहुत ज़्यादा धूल और गर्दा वहाँ पर जमा हो जाता है और साथ ही साथ चार्ज पार्टिकल भी होता है और कई सारी जानकारियाँ चांद के बारे में नहीं है, और ऐसी सूरत में अगर फौरन रोवर को प्रज्ञान को बाहर निकाला जाता है तो हो सकता है वो डैमेज हो जाए, उसको नुकसान पहुंच सकता है, और जिस मकसद से भेजा गया है उस मकसद को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए काफ़ी वक्त का इंतज़ार किया जा सकता है। ये इंतज़ार 3 से 6 घंटे और 1 दिन का भी हो सकता है, जैसा कि सोमनाथ साहब ने बताया कि ये इतना वक्त लग सकता है इसको बाहर निकालने में। लेकिन अब जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रोवर को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक बार ये बाहर आएगा उसके बाद लैंडर और रोवर दोनों अगले 14 दिनों तक, जो कि दिन का समय है चांद पे अभी, वहाँ पर ये अगले 14 दिनों तक प्रयोग करेगा, यानी अगले 14 दिन परीक्षण के होंगे। और इन 14 दिनों के बाद चांद पे रात होगी और 14 दिनों की रात होगी, यानी एक पृथ्वी दिवस वहाँ 14 दिन के बराबर होता है और एक पृथ्वी की रात 14 रातों के बराबर होती है। ऐसे सूरत में 14 दिनों के बाद वहाँ क्या होगा, अभी वैज्ञानिक इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। उनका ये कहना है कि जब रात होगी, अंधेरा होगा, टेम्परेचर गिर करके -180 डिग्री से 230 डिग्री तक पहुंच जाएगा, और ऐसी सूरत में उसके बाद रोवर और लैंडर काम करेगा या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद की जाती है कि ये काम करेगा। लेकिन जो वैज्ञानिक आकलन है वो बहुत साफ इसमें नहीं है, लेकिन 14 दिन चाहिए था, 14 दिनों के लिए इस मिशन को तैयार किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि इन 14 दिनों में जितनी सारी जानकारियां हैं वो सब ये मिशन पूरा करेगा, क्योंकि अब तक सब कुछ बिल्कुल गणना के हिसाब से जिस तरह से तैयार किया गया था उसके हिसाब से हुआ और इतना सॉफ्ट लैंडिंग हुआ। वाकई उस वक्त देखना था कि किस तरह से वैज्ञानिक खुश थे और शायद उन लोग को उम्मीद थी कि इस बार बिल्कुल सब कुछ ठीक होगा, पिछली बार जो गलतियां थी उनको सुधारा गया और पूरे भरोसे के साथ भेजा गया था। अब इसके अंदर ये देखना है कि और तस्वीरें कब आती हैं, रोवर कब बाहर आता है, और साथ ही साथ पानी की खोज, कहते हैं कि फ्रोजन आइस यानी कि जमी हुई बर्फ की शक्ल में वहां पर पानी मिलेगा, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। और ये रोवर ये सब पता करेगा, लैंडर और रोवर, उसमें काफ़ी शक्तिशाली कैमरे लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं, और जब इसरो के कमांड सेंटर पे हमें बताया कि कमांड सेंटर से जो कमांड दिया जा रहा है चांद इसको लैंडर को, वो 1.5 सेकंड में वहाँ पहुँच रहा है, फिर वहाँ से कमांड आने में 1.5 सेकंड लग रहा है। कितना ये देखिए कि किस कितना भरोसा है वैज्ञानिकों को और कितनी किस ऊंचाई पर हमारे देश के वैज्ञानिक पहुंच गए हैं, ये सब बताता है कि पहली बार वहां पर दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करना ही अपने आप में इतनी बड़ी उपलब्धि है जिसको कोई हासिल नहीं कर पाया है। तो गर्व है हमें अपने वैज्ञानिकों पे, गर्व है उनकी सोच पे, और गर्व है कि उस क्षण पे जब लैंडर ने वहां पर एक सॉफ्ट लैंडिंग की और बिल्कुल सब कुछ तयशुदा हिसाब से ही हुआ। जी निहाल, सभी के लिए गौरवान्वित लम्हा है। चंद्रयान 3 की इस कामयाबी के साथ ही भारत चांद पर उतरने वाला 4था देश भी बन गया है, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाबी के साथ उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश भी हो गया है। अभी तक कोई भी देश चांद के इस छोर पर नहीं उतरा था जो धरती से कभी दिखाई नहीं देता। तो ये निहाल, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? कम है इसके बावजूद। जी मैं सुन सकता हूँ। देखिए, इसके बावजूद सफलतापूर्वक लैंड करना और पूरे सारी जानकारी सटीक इकट्ठा करना, और उसके बाद देखिए जब ये लैंडर वहाँ लैंड करने वाला था
उसके दो घंटे पहले सारे कमांड जो थे उसमें फीड कर दिए गए थे, उसको लॉक कर दिया गया था, यानी सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा था। ऑटोमेटिक होने का क्या मतलब हुआ कि जो वैज्ञानिकों ने सारी परिस्थितियों का आकलन जो किया था वो बिल्कुल सटीक था। जिस तरह से उन्होंने आकलन किया था कि वहां पर इस तरह की प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी तो वहां पर ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर किस तरह से उसको अनुकूल बनाएगा, सब कुछ फीड कर दिया गया था। और दो घंटे पहले, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, दो से तीन घंटे पहले इस प्रक्रिया को लॉक कर दिया गया था, लेकिन सारा कमांड ऑटोमेटेड मोड पे था, सब कुछ खुद ही हो रहा था, यानी इसरो के कमांड सेंटर से कोई लेना देना उस पर कंट्रोल का नहीं था। हालांकि जब वो एक बार लैंड कर गया तो फिर से टू वे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो गया है, जैसा कि इसरो ने भी बताया है, और अब संचार का जो माध्यम है उसके हिसाब से इसरो वहां कमांड दे रहा है लैंडर को, कब रोवर से निकलेगा लैंडर से यह भी इसरो तय करेगा, और वो तय कर भी रहा है। और ये कोशिश हो रही है कि सब कुछ जितनी सफलतापूर्वक हुआ है बाकी जो इसकी इसके लक्ष्य हैं उनको भी सफलतापूर्वक हासिल किया जाए। लेकिन वो जो 15 मिनट थे, यकीन मानिए जब मैं कमांड सेंटर में था वहां पर जो उत्साह था, और इस बार कम से कम मैंने एक बार देखा कि बेचैनी किसी के चेहरे पर नहीं थी और सब लोग आश्वस्त थे कि इस बार तो पक्का हम उतरेंगे, और ऐसा हुआ भी। निहाल, एक और सवाल कि विक्रम लैंडर के अंदर भेजा गया प्रज्ञान रोवर, उससे क्या बाहर निकल पाया है कि नहीं निकल पाया, और कितना लंबा इंतजार होने वाला है? ये सवाल मैंने वहां पर जितने भी वैज्ञानिक थे सबसे पूछा था। उनका ये कहना था कि इस प्रक्रिया में, और चेयरमैन सोमनाथ साहब ने भी ये बताया कि इस प्रक्रिया में 3 घंटे से लेकर के 1 दिन तक का समय लग सकता है, क्योंकि जब यह लैंड करता है तो वहाँ पर बहुत सारा धूल गर्दा उड़ता है और ये बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है लैंडर और रोवर दोनों के लिए। और ऐसी सूरत में सुरक्षित रोवर को सुरक्षित रखना उनकी प्राथमिकता है, और ऐसी सूरत में उन्होंने यह तय किया है कि जब बिल्कुल सब कुछ शांत हो जाएगा, जो चूँकि वहाँ पर चार्ज पार्टिकल भी हो सकते हैं वो नुकसान भी पहुँचा सकते हैं संयंत्रों को, ऐसे में उन्होंने ये निश्चित किया है कि जब सब कुछ उनके पैरामीटर के हिसाब से होगा जो कि अब तक होता आया है उसके बाद ही रोवर निकलेगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रोवर को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, शायद वहाँ जो परिस्थितियाँ हैं वो फिलहाल जो वैज्ञानिक हैं उनको ऐसा लग रहा है इसरो के कि वो अभी अनुकूल है और रोवर को निकाला जा सकता है, तो इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, ये जानकारी हमें मिल रही है। जी निहाल, आपने जैसा बताया 3 घंटे से 1 दिन का वक्त भी लग सकता है, तो जो तस्वीरों का सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपकी, वहां पर आपने कई साइंटिस्ट से बात की होगी, तो वहां पर भी उत्साह वाकई में उन तस्वीरों को लेकर बना हुआ होगा? बिल्कुल, सबको इंतजार है, इसलिए कि देखिए अब तक दुनिया के इतने, 1969 में अमेरिका ने चांद पे भेज दिया अपना मैन मिशन, उसके बाद कई दूसरे देश चांद पर पहुंचे, लेकिन चांद पर पानी है ये खोज चंद्रयान 1 ने किया था, तो आप समझिए कि कितना ज्यादा वहाँ पर उत्साह हुआ होगा जब ये खोज हुई होगी, और दुनिया की नज़र थी चंद्रयान 1 पे, और चंद्रयान 1 जबकि उतरा भी नहीं था, बाहर से ही उसने ऊपर से ही उसका आकलन किया था और उसके बाद पानी की खोज की थी सेंसर के जरिए, और अब तो हमारा चंद्रयान वहाँ उतर गया है, तो पानी पता नहीं क्या क्या जानकारियाँ वहाँ से इकट्ठा होंगी, क्योंकि जो इस तरह के मिशन एक ऐसी अनजान जगह पे उतारा गया है इस मिशन को जिसके बारे में बहुत कम जानकारी है दुनिया भर के वैज्ञानिकों को, और ख़ास करके साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव जिसके बारे में तो किसी को बहुत ज़्यादा जानकारी ही नहीं है, और इसीलिए अब तक कोई भी मिशन वहाँ पर सफलतापूर्वक नहीं उतरा था। चंद्रयान 3 देश का पहला ऐसा मिशन है जो सफलतापूर्वक वहाँ पर उतरा है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की कोशिश थी कि अगर पानी मिलेगा या फिर जो भी वहाँ के वातावरण के बारे में जो भी ज़्यादा ठोस जानकारियाँ मिल पाएंगी वो साउथ पोल से मिलेंगी, सारे वैज्ञानिक दुनिया भर के जितने भी इस तरह के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है सबकी कोशिश थी कि किसी भी तरह से दक्षिण ध्रुव पर उतरा जाए, नाकामयाब रही, लेकिन अपना देश पहली बार वहां पहुंचा है, तो उम्मीद की जा रही है कि जितनी भी जानकारी है और जो भी ऐसे अनछुए पहलू हैं या जो भी रहस्य है बहुत कुछ बाहर आएगा। बस अब इंतज़ार कीजिए कि रोवर बाहर आए और अपना काम जिस तरह से उसका तय किया गया है उस हिसाब से हो, और शायद सारी जानकारियां कुछ ही देर के बाद बहुत सी जानकारी आप कह सकती हैं कि सामने होगी। जी निहाल, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।